कहते खबरों के और डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि उन्होंने अमेरिका यात्रा के बीच विकास कार्यों का अध्ययन किया है। तकनीक के उपयोग से निर्माण को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर भी अध्ययन किया गया है। सड़क ब्रिज समेत अन्य निर्माण कार्यों की तकनीकों को जाना है। उन्होंने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन तकनीक का विकास में कैसे इस्तेमाल हो इस पर अब छत्तीसगढ़ में जोर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के बंद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि घटनाओं पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत रही है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कठोर है, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी। राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत रही है। हमने बार बार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि अपराध कम हुआ है और आपने देखा है कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। लगातार कड़े और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव साय सरकार की है और रहेगी। जो भी किसी भी घटना में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार संकोच नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी राजनीति करना बंद करेगी।